हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया जिसमें मैंने बताया था कि नए पॉपअप विजार्ड्स के बारे में जो कि नया अपडेट आया था वन हैंड ऑपरेशन ऐप में, दोस्तों आज फिर उसमें एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस होंगे वो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं वन हैंड ऑपरेशन की नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में, या फिर आप अपने गुडलॉक ऐप में भी जा सकते हैं। गुडलॉक ऐप में अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद देखेंगे यहाँ वन हैंड ऑपरेशन में एक नया अपडेट आया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नया अपडेट आया है ये कब के टाइम रोल आउट किया गया है, 4 जुलाई मतलब आज के दिन ही इसको रोल आउट किया गया है। इसमें 4 MB का अपडेट है, कोई छोटा सा अपडेट आया है। और यहाँ पर क्या एड ऑन किया गया है, इम्प्रूव विजार्ड पॉपअप फीचर, बग फिक्स एंड स्टेबिलिटी इम्प्रूव, मतलब कि जो विजार्ड्स में कुछ प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है और साथ में कुछ बग्स को फिक्स किया गया है। तो इसको कर लेते हैं अपडेट, अपडेट के बाद फिर देखते हैं यूज करके कैसा इंटरफेरेंस है और कैसा ये यूज हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको यूज आपको नहीं पता कैसे यूज करते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं ये बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं उसके विजार्ड्स पॉपअप वाले फीचर में। तो उसके लिए आपको यहां जाना है लेफ्ट या राइट हैंड जो भी आप जाना चाहें। और मैंने यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां नीचे की तरफ ड्रैग ऑन करूंगा तो लेफ्ट हैंड पे, तो ये मैंने यहाँ पर विजार्ड्स पॉपअप को सेटअप कर दिया। तो अब इसको यूज करके देखते हैं। अब मैं इसको यूज करूंगा तो आप देखेंगे बहुत ही इजीली ये ओपन हो रहा है। और अगर मैं स्वाइप भी करूंगा तो जितने भी मैंने एड ऑन करके रखे होंगे सब आपको विजार्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत ही ये शानदार फीचर है। आपको नहीं पता कि कैसे इसको यूज करते हैं तो लाइक मैंने ये पेज को यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर यहाँ ड्रैग करके रखूंगा तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप एड विजार्ड एड पेज भी रख सकते हैं। एड विजार्ड्स करना है आपको, यहाँ पर एड विजार्ड्स पे क्लिक करना है। एड विजार्ड्स पे जाएंगे, जोन सा भी आपको विजार्ड्स को लेना है, लाइक मुझे क्लॉक का कोई सा विजार्ड लेना है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा। वहां क्लिक करने के बाद जोन सी मुझे क्लॉक लेना है उस पर क्लिक करी और यहाँ पर सेव कर दिया तो वो वहां पर विजार्ड्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा विजार्ड्स लेना है, वापस एड विजार्ड्स पे गए, यहाँ पर कोई सा भी अगर आपको विजार्ड्स को लेना है यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिए और वो विजार्ड्स वहां पर आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप विजार्ड्स पॉपअप को बना सकते हैं और बाद में बहुत इजीली इसका यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कितने इजीली यहाँ पर, यहाँ से मैं सिंपल ड्रैग ऑन करूंगा तो मिल जाएगा, मुझे कुछ भी यहाँ पर यूज करना है बहुत इजीली मैं यहाँ पर ये चीजें यूज कर सकता हूँ। तो बहुत ही कमाल का ये विजार्ड्स वाला फीचर है। इसमें बस उन्होंने क्या किया है आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इम्प्रूव विजार्ड्स पॉपअप फीचर, उन्होंने जो इम्प्रूव कर दिया गया, अगर कुछ उसमें बग्स थे या फिर जो लैगिंग हो रही होगी उसको इशू को सॉल्व आउट कर दिया गया और बहुत इजीली ये वर्क कर रहा है। और साथ में जब भी कोई नया अपडेट आता है मैं हर अपडेट बताता हूँ उसमें बग्स फिक्सेस और स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट तो होता ही होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लगी। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते तो हैं पर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन जो दिख रहा है ना बगल में उसको दबाना भी ना भूलें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।